चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से आपको मीराबाई के पदों के भावार्थ बताने जा रहे हैं। भावार्थ के साथ साथ हम शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य और उनके भावार्थ भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई के पदों पर आधारित भावार्थ। पहले वाला पद ले रहे हैं और उसके कठिन शब्दों को हम आपको बताएंगे। पहला पद इस प्रकार है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, मूल तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। ये पद है। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके हम प्रचलित शब्द और अर्थ जान लेते हैं। इसमें एक शब्द है भीर। भीर का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, कष्ट। चीर कहते हैं वस्त्र को। नरहरि, नरसिंह अवतार जो विष्णु ने लिया था उसके लिए यहाँ पर यह शब्द प्रयोग किया गया है। और बूढ़ तो यानी बूढ़ना, डूबना, पानी में डूबना। कुंजर कहते हैं हाथी को और पीर का अर्थ होता है पीड़ा तथा महारी शब्द का अर्थ है मेरी। ये राजस्थानी शब्द है और जैसा कि आप जानते हैं कि मीराबाई जो हैं वो सत्संग करती थी और विभिन्न स्थानों की यात्राएं करती थी, तीर्थ यात्राएं करती थी, इसलिए उनकी भाषा में भी अन्य संत कवियों की तरह ही बहुत सी दूसरी भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं। और चलिए अब सबसे पहले इसका करते हैं संदर्भ। तो संदर्भ यह है कि यह पद पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और इसका शीर्षक है मीराबाई के पद, जिसकी रचनाकार हैं कृष्ण भक्त कवि मीराबाई। प्रसंग करेंगे इसके बाद। प्रसंग में हम बताएंगे कि यहाँ पर मीराबाई ने कई उदाहरण देकर यह समझाया है कि हे प्रभु, तुमने तरह तरह से लोगों का उद्धार किया है तो अब मेरा भी कीजिए। और अब चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि हे हरि, आप मनुष्यों की पीड़ा को दूर किया करते हैं। आपका यह काम ही है कि जो भी दुख में होता है, तकलीफ में होता है, कष्ट में होता है, आप उसकी पीड़ाओं को दूर कर देते हैं, दुखों से उसे मुक्ति दिला देते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती हैं कि देखिए, द्रौपदी की आपने लज्जा रखने के लिए उनके वस्त्र का, उनकी साड़ी का जो कपड़ा था उसकी लंबाई अनंत गुना कर दी थी। तो मीराबाई याद दिला रही हैं कि हे कृष्ण, तुमने द्रौपदी की लज्जा इस तरह से बचाई थी। फिर वो दूसरा उदाहरण देती हैं कि आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप रखा था। इसकी भी एक कहानी है। हिरण्यकश्यप नाम के राजा का एक पुत्र था जो जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद ईश्वर भक्त था लेकिन उसका पिता जो है वो ईश्वर की भक्ति का विरोधी था और इसलिए उसने अंत में गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के तरह तरह से प्रहलाद को मरवा डालने की
कोशिशें की पर वह एक में भी सफल नहीं हुआ। उसने यह भी वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसको उसकी मृत्यु ऐसे कठिन तरीके से हो जो संभव ही नहीं है, न दिन में हो न रात में हो, न अंदर हो न बाहर हो, न उसको मनुष्य मार सके न उसको कोई पशु मार सके। इस तरह का उसने वरदान प्राप्त कर लिया था और निश्चिंत था कि अब कौन मारेगा। तब कृष्ण ने ही, जो विष्णु के एक अवतार हैं, उन्होंने नरसिंह अवतार लिया कि जिसका शरीर तो नर का था, मनुष्य का था, लेकिन जिसका सिर सिंह का था। और इस तरह उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप को मार डाला था। तो मीराबाई ने यहां दूसरा उदाहरण नरसिंह अवतार का दिया है। फिर वो तीसरा उदाहरण देती हैं, कहती हैं कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इंद्र का एक हाथी है ऐरावत, ऐसा माना जाता है। ऐरावत हाथी एक बार किसी तालाब में स्नान करने के लिए गया और वहां एक विशाल मगरमच्छ रहता था, उसने उसके पैरों को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और खींचकर पानी में डुबाकर मार डालना चाहता था। तब उस हाथी ने, ऐरावत ने, गजराज ने उसी तालाब में खिले हुए कमल के एक पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ा और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए। तब विष्णु ने अपना चक्र भेजकर मगरमच्छ की गर्दन को काटकर हाथी की रक्षा की थी। तो इस तरह मीराबाई तीसरा उदाहरण देती हैं कि आपने एक हाथी की रक्षा भी की थी, तो अब आपको मेरी भी हर तरह से रक्षा करनी होगी और मेरे ऊपर अपनी कृपा रखनी होगी, मेरा इस संसार से उद्धार करना होगा। तो ये थी मीराबाई के पहले पद की व्याख्या। लेकिन अब हम इसके जो काव्य सौंदर्य है वो उसको देखेंगे। इसमें एक पंक्ति आई है, द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। फिर दूसरी है, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। और तीसरी है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इन तीनों में तीन उदाहरण है, इसलिए दृष्टांत अलंकार यहां पर है। फिर इसका हम काव्य सौंदर्य का एक और बिंदु देखते हैं कि मीराबाई के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती तथा खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और तीसरा ये कि पद में गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है। तो ये उसका काव्य सौंदर्य है। और अब भाव सौंदर्य देखते हैं। भाव सौंदर्य है कि मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए ईश्वर के द्वारा संसार के लोगों का ही नहीं, पशुओं का भी किस तरह से उद्धार किया गया उसका उन्होंने यहां जिक्र किया है, उनका उदाहरण दिया है और अपने दुखों को दूर करने के लिए भक्ति प्रकट की है। ये उनका पहला पद था। और अब हम मीराबाई का दूसरा पद भी देखेंगे और उसमें वो क्या कह रही हैं। देखिए, इसमें ये पद जरा बड़ा है तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, परंतु व्याख्या करते समय इसकी पंक्तियों को दोहराऊंगा। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। इसमें पास्यूं का अर्थ है पाना, लीला का है विविध रूप, सुमरण यानी याद, स्मरण का अपभ्रंश है ये, जागीरी यानी जागीर रियासत, पीतांबर यानी पीले वस्त्र, पीत धन अंबर
पीले रंग के वस्त्र। वैजयंती, ये एक फूलों का पौधा है, वैजयंती के फूल कहे जाते हैं। तीरा यानि किनारा, तीर। अंधीरा यानि व्याकुल होना। तो ये कठिन शब्द थे जिनके हमने अर्थ देखे। संदर्भ प्रसंग तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने पहले पद में किया था, इसलिए उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए इसके हम लोग भावार्थ को देख लेते हैं। मीरा दूसरे पद में कह रही हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। वे कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए, दासी बनाकर रख लीजिए, आपके यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, तो मुझे भी एक चाकरी का काम दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? तो वो कहती, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। अगर मैं आपके यहाँ चाकरी पालूंगी तो मैं फिर बाग बगीचे लगाऊंगी आपके लिए, और उन बाग बगीचों में आप जब घूमने निकलेंगे, टहलने निकलेंगे, तो मैं आपके दर्शन किया करूंगी। बिंद्राबनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन की जो गलियां हैं, वीथियां हैं, मैं उनमें निकल निकल कर, चल चल करके आपकी लीलाओं के, आपने जो कुछ भी कार्य किए हैं, लीलाएं दिखाई हैं, खेल किए हैं, उन सब का गुणगान करती फिरूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। मैं जो चाकरी करूंगी तो उसमें जो है मुझे मेहनताना आप देंगे, तो मेहनताने में मैं भक्ति की जागीर प्राप्त करूंगी। जो आपकी भक्ति है वो मेरे लिए जागीर की तरह है, रियासत की तरह है। और आप मुझे कुछ खर्च पानी भी तो देंगे अलग से, तो जो आपका स्मरण है, आपकी यादें हैं, वो मेरे लिए खर्च प्राप्ति करने जैसा होगा, अलग से ये अतिरिक्त लाभ होगा उसका, कि नौकरी का वेतन तो मिल रहा है, मेहनताना तो मिल रहा है, लेकिन हाथ खर्च के लिए मुझे आपकी यादें भी मिल रही हैं। भाव फिर मोर मुगुट पीतांबर सोहे, गल बैजयंती माला। नहीं, एक लाइन रह गई है। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनू बाता सरसी। चाकरी में मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगी, हाथ खर्च के रूप में स्मरण प्राप्त करूंगी, और भक्ति भावना के तौर पर एक रियासत ही मैं पालूंगी। इस तरह मैं तीनों प्रकार के लाभ आपकी चाकरी में रहकर पा सकती हूं। फिर कहती हैं, मोर मुगट पीतांबर सोहे, आपके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभा पाता है, और शरीर पर आप पीतांबर पहने हुए हैं। गल वैजयंती माल, आपके गले पर वैजयंती के फूलों की माला है। बिंद्राबन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और इस स्वरूप में जो मुरली बजाने वाला मोहन है, कृष्ण है, हरि है, वह वृंदावन में गायों को चराने जा रहा है। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाऊं, बिच बिच राखू बारी। वे कहते हैं कि मैं चाकरी करते हुए ऊंचे ऊंचे महल आपके लिए बनाऊंगी, और बीच बीच में मैं बाग बगीचे लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। और फिर मैं फूलों के रंग की साड़ी पहन करके अपने सांवरिया अर्थात कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीना। हे प्रभु, आप मुझे अर्धरात्रि के समय यमुना नदी के तट पर
अपने दर्शन दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हेवड़ो घड़ो अधीरा। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधर, मेरा हृदय आपके दर्शन को पाने के लिए अधीर हो रहा है, धीरज खो रहा है। तो ये था उसका भावार्थ। और अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहली बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि मीराबाई के इस पद में बिल्कुल आम बोलचाल की जो भाषा है राजस्थानी, उसमें उनके शब्दों का प्रयोग हुआ है। और दूसरा है भाव भगति, मोर मुगुट और मोहन मुरली वाला, ये तीन जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। और अब इसका करते हैं हम भाव सौंदर्य। तो मीराबाई ने कृष्ण की सदैव निकटता पाने के लिए, कि हमेशा उनके निकट में रहूं, उनसे चाकरी प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया है। तो यह था मीराबाई के पदों का भावार्थ, जिसमें हमने संदर्भ, प्रसंग, कठिन शब्दों के अर्थ और काव्य सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य इत्यादि सभी परिपूर्ण तरीके से संपन्न किए हैं। आशा है आपको यह एपिसोड अच्छा लगेगा, आपके लिए उपयोगी होगा, काम आएगा। अगली बार हम मीराबाई के पदों की है प्रश्नोत्तरों को करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।